अरे यार शिनचैन यार, मैं तो बहुत ही ज्यादा थक गया हूँ भाई। कब से यार मैं काम कर जाता हूँ, थोड़ी देर रेस्ट ले लेते हैं। अरे बेकी पे थोड़ी देर रेस्ट ले लेते हैं। हाँ यार भाई, कब से काम करे जा रहे हैं, अब थोड़ी देर बैठूंगा। अबे तुमको समझ नहीं आता क्या, फिर से बैठ गए। मैंने बोला था ना बिना रुके तुमको 3 दिन तक काम करना है। जल्दी उठ काम कर। अरे पर अभी जस्ट बैठा हूँ मैं, तेरे से काम ही करता। अरे वो सब मुझे नहीं पता, उठता है कि भगाओ यहाँ से। अरे हाँ उठ रहा हूँ। अरे यार ये क्या पागल बंदा यार, यार भाई थोड़ी देर रेस्ट भी नहीं करने देता। अरे बेकी पे काम करे वो तो चला गया, आप जाके डांस की प्रैक्टिस कर लो, मैं आपका काम कर देता हूँ। भाई सर मुझे एक रील बनानी जिसके लिए मुझे डांस की प्रैक्टिस करनी, शिनचैन तू पक्का कर देगा ना? अरे यार फिकी बाप टेंशन मत लो। अरे ठीक है चलो चल के देखते हैं, ये काम तो कर रहा है ना। चलो बहुत बढ़िया बिल्कुल सही काम कर रहे हो। वो तुम्हारा भाई कहाँ है? अरे वो अरे क्या वो एक सेकंड, ये गाने की आवाज कहाँ से आ रही है? सोले काम के टाइम डांस कर रहे हैं। नहीं मैं डांस नहीं कर रहा है। अरे तो ये क्या मुझे कर रहे हैं, चल उठ ऐसे जल्दी उठ। अरे वो मैं दीवारों को डांस करके दिखा रहा ताकि वो मजबूत बने। अरे मेरे को पागल बनाता है, मैं तेरे को नौकरी से निकाल रहा हूँ, चल निकल जाए यहाँ से। अरे बेकी मैं भी चलूंगा, मुझे भी नहीं काम करना। अरे तुझे क्यों नहीं काम करना? अरे बेकी जहाँ पे जाएंगे मैं वहीं पे जाऊंगा। अच्छा तो निकल यहाँ से तू भी। अभी ज्यादा नहीं बोल रहा, अबे साले हट जा, जैसे हमको तेरे वहाँ पे काम भी नहीं करना, रोज चिल्लाता रहेगा, थोड़ी देर बैठने भी नहीं देगा तू। कहा सर ये वाली नौकरी छोड़ के हम जा रहे हैं शिनचैन, पर अब हम करेंगे क्या? अरे बेकी मुझे क्या पता है। अरे यार भाई शिनचैन अब कुछ नहीं हो सकता, मैं जा रहा हूँ शिनचैन, मैं जा रहा हूँ। अरे बेकी मैं कह रही हूँ शिनचैन मैं मरने जा रहा हूँ, मुझे जीना ही नहीं है भाई, नौकरी भी नहीं चली गई हमारी, मैं कुछ नहीं कर सकता। अरे ये तो मरने जा रहा है, मुझे इसको बचाना होगा। अरे बेकी मैं रुक जाऊ ना। नहीं शिनचैन आज तू मुझे नहीं रोक, मैं यहाँ से कूद जाऊंगा, मैं जा रहा हूँ शिनचैन। अरे बेटा मेरी बात सुनो। हाँ अंकल क्या हो गया? अरे बेटा मरने से कुछ नहीं होने वाला। हाँ तो जी के भी कौन सा कुछ कर पा रहा हूँ, मेरी जॉब चली गई। अरे मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें एक क्रास की बात बताता हूँ। वो जो सामने पहाड़ है ना, वहाँ पे एक बाबा जी रहते, वो बहुत ही चमत्कारी बाबा जी है। अगर तुम उन्हें प्रसन्न करोगे तो वो तुम्हें जो तुम बोलोगे वो देंगे। फिर तुम चाहे जॉब मांगो, चाहे पैसा मांगो, घर बंगला बाड़ी जो भी तुमको चाहिए सबका सब मिलेगा। है सही में सबका सब मिलेगा? हाँ तुम चाहो तो सर, वो बाबा बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। कहाँ पे मिलेंगे वो? अरे वो सामने वाली पहाड़ी पे। अच्छा ठीक है। अरे अब टेंशन मत, मैं अभी जाता हूँ। अरे बेटा नीचे मत कूदो। अरे अंकल टेंशन मतलब नीचे यार पानी है, मुझे पहले से ही पता था मैं कौन सा मरने वाला था, मैं तो पानी में जंप मार रहा था, कोई मर वर तो ना रहा था। तो गाइस यार अभी हम जा रहे हैं सामने वाले पहाड़ के बिल्कुल हमें टॉप पे जाना है, क्योंकि वहां पे मिलने वाले बाबा जी जो कि यार हमारी इच्छा पूरी करने वाले, हमको उनको खुश करना पड़ेगा और उसके बदले में हमें वो हमारी इच्छा पूरी करेंगे। तो फटाफट से ऊपर चढ़ते हैं, भागो शिनचैन भाग। अरे देखिए भागते रहो। गाइस यार हमको जल्दी ऊपर चढ़ना पड़ेगा, उसने बोला सूरज ढलने से पहले मुझे वहां पे पहुंचना पड़ेगा, तो फटाफट से चलते हैं। अरे देखिए मैं देखो साइकिल पड़ी है, चलो इस पे चलते हैं। आइडिया तो बहुत ही बढ़िया है, पैदल चलेंगे तो देर हो जाएगी पर इस साइकिल पे जाएंगे तो जल्दी पहुंचेंगे। तो गाइस यार अभी हम जाने वाले हैं साइकिल पर बाबा जी के पास, जिससे हम बहुत सारी इच्छाएं अपनी पूरी करवाने वाले। तो फटाफट से चलते हैं साइकिल पर बाबा जी के पास। बाबा जी हम आ रहे हैं। अरे बेकी बस अब पहुंचने वाले। अरे हाँ शिनचैन यार पूरा दम लगा रहा हूँ मैं। अरे बेकी मैं हट तेज। अरे हाँ भाई यार चढ़ाई है, कैसे चलाऊं तेज। भूम भाम भट ओम भूम भाम भट। अरे ये क्या से आ गए? अरे ये तो जंगली शेर कहाँ से आ गए? अरे अब मैं क्या करूँ, मुझे बचाओ। अरे मुझे बचा लो, ये मुझे खा जाएगा। अरे बेकी भाई ये क्या चल रहा है, यहाँ पे तो शेर आए। अरे मुझे जल्दी से उनको बचाना पड़ेगा। अरे मुझे लगता है ये तो वही बाबा है, इनको मुझे कैसे भी करके बचाना पड़ेगा। फटाफट इनको मारते, ये सारे के सारे शेरों को मार दूंगा। अरे बेकी भाई अपने बाबा जी को मार दिया। अरे बेटा बहुत शुक्रिया। अरे मुझे लगा मैंने आपको ही मार दिया। अरे नहीं बेटा मैं तो लेट गया था, इसलिए मुझे गोली लग जाए इसलिए। अच्छा मैं समझ गया, आप ठीक हो ना? अरे हाँ बेटा मैं बहुत ठीक हूँ, रुको मेरे पास तुम्हारे लिए गिफ्ट है। गिफ्ट? कौन सा गिफ्ट? मैंने तुम्हारा पूरा का पूरा फ्यूचर देख लिया, तुम क्या क्या चाहते हो, उस साइकिल को आग में डालो। साइकिल को आग में? हाँ डाल दी फिर क्या? रुको अभी। ओम भूम भाम भट भूम भाम भट। अरे ये क्या हो रहा है, अबे ये क्या हो रहा है बाबा जी बचा लो मेरे को। अरे तुम टेंशन मत लो, तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी होने वाली है। ये क्या हो गया, अबे ये इतने सारे लोग कहाँ से आ गए? अरे बेटा ये तुम्हारे दिमाग में से आए, तुम जो चाहते थे वो सभी के सभी इधर आ चुके हैं। है सही में? अबे ये सारे के सारे मेरे बॉडीगार्ड से? हाँ बेटा तुम्हारे ही बॉडीगार्ड से। अरे फिकी बेकी सही में? रुक जा मेरे को पता करने दे, ये गाड़ी अगर ये कपड़े चेंज करने वाली गाड़ी हुई तो मतलब सारी इच्छा मेरी पूरी हो चुकी है, इसके अंदर बैठते। अरे मेरे तो कपड़े चेंज हो रहे। अरे कहीं सर मेरे तो कपड़े चेंज हो गए। अरे ये तो मैंने सेम यार अपने दिमाग में सोचा था कि ऐसी गाड़ी चाहिए जिसके अंदर मैं बैठूं और मेरे कपड़े चेंज हो जाए, और ये तो वही गाड़ी है। कहीं सर ये तो बहुत ही खतरनाक है। अरे बाबा जी आपने तो कमाल कर दिया। अरे मेरे पास तो हेलीकॉप्टर भी है। अरे बेटा तीन हेलीकॉप्टर है। अरे आ जाओ अपन घूम
घूमने चलते बाबा जी आ जाओ। अरे ठीक है बेटा, मैं कभी हेलीकॉप्टर में नहीं बैठा, आज बैठूंगा। अरे आप टेंशन मत लो, मेरे साथ बैठो। तो गाइस यार अभी मुझे यार गोल्डन हेलीकॉप्टर मिल चुका है और हमारे इतने सारे बॉडीगार्ड्स भी नीचे खड़े और अभी हमने हेलीकॉप्टर उड़ा लिया। गाइस यार ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक है। अरे विकी बेटा बहुत ही ज्यादा अच्छा है। अरे बाबा जी आपको मजा आ रहा है ना? अरे हाँ बेटा हमें तो बहुत मजा आ रहा है। आज तक कभी जिसकी मैंने इच्छाएं पूरी करी कभी उन्होंने यार अपनी इच्छाएं में मुझे नहीं घुमाया। तुमने जैसे हेलीकॉप्टर में मेरे को घुमाया आज तक किसी ने कुछ नहीं किया था। रुको मैं तुम्हारे लिए एक और चीज करूंगा, नीचे उतारो। नीचे उतारो? अच्छा ठीक है बेटा, वो हेलीकॉप्टर उठा के इस आग में डाल दो। अच्छा ठीक है कर देता हूँ। धूम भाम भट, धूम भाम भट। तो गाइस अभी मैंने ये हेलीकॉप्टर उठा के उस आग में डाल दिया, ये कुछ तो कर रहा है और मुझे डर लग रहा है कि वो हेलीकॉप्टर फूट नहीं जाए, इसलिए मैं थोड़ा सा दूर हो रहा हूँ, मतलब इसे ज्यादा दूर नहीं जा रहा, देखते यार क्या होता है। धूम भाम भट। अरे भाई एक सेकंड, पीछे इतने सारे हेलीकॉप्टर आ गए। बेचा तुमने मुझे खुश किया, बहुत ज्यादा खुश किया, इसलिए मैंने तुम्हें इतने सारे हेलीकॉप्टर दे दिए और मैंने तुम्हें एक घर भी दिया है वो भी हेलीकॉप्टर वाला। अरे बैठो बैठो चलो चलो देखने चलते हैं। तो गाइस यार अभी इन्होंने मुझे बहुत सारे हेलीकॉप्टर दे दिए, पता नहीं ये मेरे से बहुत ज्यादा खुश हो चुके हैं और इन्होंने मुझे घर भी दे दिया वो भी हेलीकॉप्टर वाला। हेलीकॉप्टर वाला घर तो मैंने आज तक कभी नहीं देखा। चलो फटाफट से चलते हैं, इन्होंने बोला तो है सामने, तो फटाफट से देखते हैं कौन सा हेलीकॉप्टर वाला घर हमें मिल चुका है। तो गाइस यार अभी ये हेलीकॉप्टर वाले घर मतलब उड़न खटोले वाले घर में हम लैंड कर रहे हैं। ये यार पंखों से उड़ रहा है हवा में, मतलब ये पूरा का पूरा घर हवा में, बहुत ही ज्यादा खतरनाक वाला घर है जिधर अभी हमने यहाँ पे लैंड कर लिया है। चलो देखते हैं भाई कैसा है ये घर। सामने देखो तो भाई मेज बैंक दिख रहा है और भी बहुत सारी बिल्डिंग्स दिख रही है और ये देखो भाई कर कैसे हवा में उड़ रहा है। गाइस यार आपको फटाफट से इसका पूरा का पूरा इंटीरियर दिखा देता हूं। यहां पे देखो तो बाहर भी गार्डन है और यहां पे टीवी भी लगी हुई है तो बहुत ज्यादा मस्त है। और यहां पे बारबेक्यू करने के लिए भी भाई बहुत ही ज्यादा तगड़ा सीन हो रखा है। यहां पे सारे सारे फैन चल रहे हैं जिससे भाई ये घर हवा में उड़ रहा है। और यहां पे देखो तो भाई क्या ही मस्त। और यहां पे एक और हेलीकॉप्टर भी है और यहां पे हेलीकॉप्टर का पूरा वो स्टैंड बना रखा है। यहां पे दो गाड़ियां खड़ी है, अपना स्विमिंग पूल भी है मस्त सा। अभी चिंचन देख ले देख ले, यही विकी में तो बहुत ही खतरनाक है। और ये रहा अपना भाई सोफा और यहाँ पे देख सो अरे बंदर सो रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे अपना किचन विचन में, अरे बाथरूम में क्या है, हर जगह बंदर ही बंदर है। और भी देख सो अपना खतरनाक सा किचन, अपना डाइनिंग रूम, ये तो बहुत ही खतरनाक है। चलो यार ऊपर देखते क्या है भाई, दो फ्लोर का वो भी हवा में पहले से ही और दो फ्लोर का और है। और यहाँ पे फिर से यहाँ पे सोफा वोफा लगा हुआ है, फुल मजे से रह सकते हैं। और यहाँ पे अपना बेडरूम क्या ही बढ़िया, मतलब भाई खुला खुला बेडरूम। और यहाँ से निकलती है अपना जिम भी है भाई, जिम से सीधा बेड से उठो और सीधा जिम में जाओ। यहाँ पे झरना लगा हुआ है वो भी अंदर भाई, ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और अब ये देख सकते हो भाई यहाँ बालकनी बनी है बढ़िया वाली। तो गाइस कुल मिला के घर तो यार बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और हमारे पास ये कार भी है और मुझे पता चला है कि ये उड़ने वाली कार है। तो चलो यार देखते हैं ये कैसे उड़ती है भाई सब। ये कार तो सही में उड़ने लग गई और भाई सबके सब हमारे पास उड़ने वाली चीज हो चुकी है। एक तो उड़ने वाला हेलीकॉप्टर, मतलब हेलीकॉप्टर तो उड़ता ही है, और हमारे पास यार उड़ने वाला घर आ चुका है, उड़ने वाली कार आ चुकी है और उड़ने वाली बाइक भी खड़ी है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो गाइस आप देख सकते हो हमारा घर कैसे भाई मस्त हवा में उड़ रहा है, चार पंखे इसमें लगे हुए और बहुत ही ज्यादा खतरनाक घर। और यार हवा में पता नहीं पेड़ कैसे आ गए, मतलब शायद नकली होंगे, पता नहीं असली भी हो सकते हैं, मुझे नहीं पता, पर जो भी है बहुत ही ज्यादा खतरनाक चीज है। और अपने स्विमिंग पूल भी, मतलब हवा में स्विमिंग पूल, अरे ये कहां भिड़े जा रही है। तो गाइस ये गाड़ी तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, फटाफट से मुझे काम बताओ ये गाड़ी आपको कैसी लगी। अभी आपको बाइक भी दिखाता हूं, एक काम करता हूं फटाफट इसको मैं यहां पे लैंड करा लेता हूं, फिर आपको उड़ने वाली बाइक भी दिखाता हूं। तो गाइस ये रही हमारी उड़ने वाली बाइक, मतलब यार कितनी सारी चीजें हमारे पास उड़ने वाली हो चुकी है। तो गाइस आप फटाफट देखिए उड़ते उड़ते सब्सक्राइब का बटन दबा दो, लाइक का बटन दबा दो और फटाफट से मुझे कमेंट बता दो आपको ये घर कैसा लगा, मुझे तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक लगा। तो गाइस यार आज की वीडियो सिर्फ इतना ही, अगर आपको आज वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बताना कैसी लगी वीडियो फटाफट से कमेंट में बता दो। और गाइस इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड का डिस्क्रिप्शन में, वहां पर जाकर जो फॉलो कर लेना। और गाइस यार मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।